एवरीवन, दिस इज किमी। आप देख रहे हैं आपके सितारे किमी के साथ। आज है 6 दिसंबर और आज के राशिफल में सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पंचांग की। आज का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा सुबह 9:03 से लेकर 10:26 तक, और जो आज का राहु काल है वो रहेगा 12:12 से लेकर 1:30 दोपहर के। तो ये था पंचांग। अब हम बात करेंगे ड्रीम्स की, सपनों की। सपनों में जब भी आप डेकोरेशन देखते हो उसका क्या मतलब होता है? तो अक्सर हम देखते हैं कि सपने में हम चीज़ों को डेकोरेट कर रहे हैं, चाहे किसी पार्टी के लिए कर रहे हैं या फिर कुछ हम दोबारा कुछ अपने चेंजेस लेके आना चाहते हैं, कुछ भी किसी भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द आर हाउस, तो कभी पेंट कर रहे होते हैं, मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ डेकोरेशन। अगर आप देखते हैं कि आप अपने रूम को डेकोरेट कर रहे हैं, उसका ये मतलब होता है कि आपकी जो फैमिली में है, जो आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप ये देखते हैं कि रूम जो है ओवर डेकोरेटेड है, बहुत ज़्यादा उसमें स्टफ़ है, बहुत ज़्यादा उसको डेकोरेट कर दिया गया, तो उसका ये मतलब होता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड व्हाट आर यू डूइंग, मीन्स जो आप एफर्ट्स कर रहे हो, आपको लगता है कि ये जो आपके पार्टनर है या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपके एफर्ट्स को समझ नहीं रहे और वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। एंड इफ यू सी कि आप जो आपका रूम है उसको पेंट कर रहे हैं, कलर ऑफ द पेंट सजेस्ट कि आपके फ्यूचर से रिलेटेड क्या आपके लिए मैसेज है, या आपके जो उस वक्त आपके साइकोलॉजिकल आप पे क्या बीत रहा है। अगर तो आप करते हैं जो पेंट है दैट इज़ ऑफ येलो कलर, तो आप अपने को ये लेके चल रहे हैं कि जैसे आप बहुत ज़्यादा यू नो कि सहन कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं सिचुएशन को, बट वो आपसे हैंडल नहीं हो पा रही। अगर आप देखते हैं कि जो कलर है दैट इज़ ग्रीन, ग्रीन कलर का ये मतलब होता है कि हीलिंग स्टार्ट होगी। अगर आप किसी बिजनेस में हैं या किसी आप प्रोफेशन में हैं या जॉब कर रहे हैं, तो आपका ये मतलब होता है उस ग्रीन कलर का कि आपकी लाइफ में अब प्रॉस्पैरिटी आएगी, जितनी प्रॉब्लम्स वो हील होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ये देखते हैं कि जो आपका घर है बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज़्यादा चमक रहा है, बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं, डेकोरेट हुआ है और बहुत लोग आपके घर पर आ रहे हैं, तो उसका ये मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशन हैं जिसको आप चाहते हैं कि दोबारा से आप उनके इन टच में हों, या आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। एंड इफ़ यू सी कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर से तैयार हुए हैं, तो आपका घर भी बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ है, या किसी और जगह पे घर के अलावा कहीं और आप हैं वहाँ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई हुई है, तो उसका ये मतलब होता है कि आपको बहुत जल्दी ऑनर मिलेगा, जो आपने एफर्ट्स पुट किए हैं उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो बेसिकली जो डेकोरेशन है डिपेंड करती है कि किस एरिया की डेकोरेशन हो रही है और ओवर है या अंडर है, या आपको डेकोरेशन पसंद नहीं आ रही। अगर आपको डेकोरेशन वहाँ की पसंद नहीं आ रही, इट मीन्स कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर एफर्ट्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये थे ड्रीम एनालिसिस ऑन डेकोरेशन। अब हम बात करेंगे पहली 6 राशियों की, उनका आज का दिन कैसा जाएगा। सबसे पहले बारी आएगी एरिस की, लेट्स सी ही। जो मेष राशि वाले लोग हैं, आज के दिन आप कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, या फॉरेन से रिलेटेड आपकी कोई प्लानिंग्स चल रही है, आप कहीं ना कहीं फॉरेन शिफ्ट भी होना चाहते हैं और आपको फॉरेन से बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो आपको ये चीज़ें ग्रैब करनी चाहिए बिकॉज फॉरेन में आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। कहीं आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, ट्रांसफर्स के भी चांसेस हैं आपके आज के दिन। और आपका जो लकी कलर है वो रहेगा ब्राउन। इसके बाद बारी आती है टॉरियंस की, लेट्स सी। जो वृष राशि वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशन से तंग आ चुके हैं, आपको लगता है बहुत ज़्यादा लाइफ रुक गई है या इसमें कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं हो रहे, और आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है और आप चाहते हैं कि एक नई बिगनिंग हो, तो आज के दिन आप को लगता है कि पास की बातें छोड़ के आप एक नई स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, और आज का दिन जो है नई बिगनिंग्स का दिन है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और अपनी लाइफ में आप अगर चाहते हो कि पॉजिटिव आपकी लाइफ में चेंजेस आए, तो आपको चाहिए कि एक नई शुरुआत करें, तो डेफिनेटली वो जो नई शुरुआत होगी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और जो वृष राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा येलो। इसके बाद टर्न आती है जेमिनाइज की, लेट्स सी। जो मिथुन राशि वाले लोग हैं, आज के दिन आपको कोई सक्सेस मिलेगी, पैसा आपके पास आएगा, बहुत अच्छा आज का दिन है, आपको एंसेस्टर से रिलेटेड कोई ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे आज के दिन, और आपका जो रुका हुआ पैसा है वो आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, आपकी कोई जीत होगी आज के दिन बेसिकली, और जो आपके ओपोनेंट्स हैं आपसे दूर रहेंगे, आपके साथ कोई भी आज के दिन कोई भी आपको आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। और जो मिथुन राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा येलो। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंसरियंस का आज का दिन कैसा होगा, लेट्स सी। जो कर्क राशि वाले लोग हैं, आज के दिन आप अपने हिसाब से लोगों को डायरेक्ट करेंगे, अपने हिसाब से चीज़ें चलाएंगे, बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो आपके साथ आसपास लोग हैं वो दे आर नॉट सिंसियर और ऑनेस्ट फॉर यू, तो आपको
आज से ही मीन्स आपको चाहिए कि जो लोग आपको लगता है कि आपके लिए फेथफुल नहीं है तो उनसे दूर हो जाएं या उनसे किनारा कर लें, अदरवाइज ये लोग आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकते हैं। सो यू शुड बी केयरफुल। अगर आज के दिन आपने चीज़ों को इग्नोर किया तो पूरी लाइफ, आई कांट से कि पूरी लाइफ, बट आने वाले कुछ 6 महीने या साल 2 साल आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आज के दिन बहुत सोच समझ के फैसले लें और किसी को अपने मन की बातें ना बताएं। और जो कर्क राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा लाइट ग्रीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं लियोस की। जो सिंह राशि वाले लोग हैं, आज का दिन बड़ा अच्छा है सेविंग्स के लिए, नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है टाइम आज का, और आपके रिलेशनशिप बहुत ही बेहतर होंगे। आपके जो पार्टनर हैं आपके एफर्ट्स को समझते हैं, आपके कंसर्न को समझ रहे हैं, तो आज का दिन जो है ग्रोथ का डे है बेसिकली आपके लिए। और जो सिंह राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा ऑरेंज। इसके बाद आती है टर्न वर्गोस की, लेट्स सी। जो कन्या राशि वाले लोग हैं, आज के दिन आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, और जो लोग सिंगल हैं आज के दिन वो डिसीजन लेंगे कि जिन लोगों को लगता था कि अभी मैरिज का टाइम नहीं है वो लोग आज के दिन डिसीजन लेंगे या कुछ प्लानिंग्स करेंगे जल्दी ही मैरिज करने की। तो आज का दिन प्लानिंग्स के लिए बहुत अच्छा है, आज का दिन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा दिन है, और किसी के साथ आज मिलके कोई काम करेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा। और जिन लोगों के कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे तो अब किसी थर्ड पार्टी को या किसी और को बीच में कर डालेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम्स चले, जो कॉन्फ्लिक्ट चले वो ख़त्म हो जाएंगे। और जो कन्या राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा वाइट। तो ये था पहली 6 राशियों का राशिफल। अब हम बात करेंगे जिनका बर्थडे और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी। सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमेशा हैप्पी रहें। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए ये साल कैसा रहेगा, और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और उनके लिए एडवाइस क्या आती है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो जितना आप हेल्थ के साथ केयरलेस रहेंगे, जितना उसको फॉर ग्रांटेड लेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ में दिक्कतें आने वाली हैं। तो हेल्थ को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे आगे आपने हेल्थ को ही रखना है, अदरवाइज़ आपके कारण, आपकी गलतियों के कारण हेल्थ में कोई इश्यूज आ सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनल लाइफ जो आपका इस साल रहेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट आप किसी तरीके से उसको मैनेज कर पाएंगे, मीन्स मेजर लॉसेस नहीं होंगे, आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ग्रोथ हो तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखें इस साल। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए एक नई शुरुआत होगी, आपको खुद ही मन में आएगा कि आपने कुछ करके दिखाना है, तो उसी चीज़ के साथ कुछ भी स्टार्ट करेंगे, उसी फीलिंग्स के साथ, उसी करेज के साथ कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बट कहीं ना कहीं आप अपनी ड्यूटीज़ भूल रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ, मीन्स आप सेलिब्रेट करेंगे अपना रिलेशनशिप में भी सेलिब्रेशन होगी, बट फिर भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं, भागेंगे बेसिकली इस साल। और आपके लिए एडवाइस आती है, आपके लिए ये एडवाइस आती है कि पैसे को प्रायोरिटी ना दें, थोड़ा सा आप ग्राउंडेड रहे। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में आपको अपना शो ऑफ बेसिकली नहीं करना, जितना शो ऑफ करेंगे या जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागेंगे उतनी ही आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। अपने रिलेशनशिप में नो डाउट इस साल आपकी सेलिब्रेशंस भी हैं, आपके इन्जॉयमेंट भी नज़र आ रहा है, बट आपको अपनी ड्यूटीज़ निभानी चाहिए तो रिलेशन और अच्छा हो जाएगा। तो ये था जिनका बर्थडे, जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी। लेट्स सी बाकी की 6 राशियों का आज का दिन कैसा है। अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों के। जो लिब्रंस हैं, आज के दिन आपको लगता है आपको किसी ने धोखा दिया है और आपके साथ लोगों ने चीट किया, आपको लोगों ने चीट किया या आपके साथ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा है कि इन सब चीज़ों से अब आपको कुछ ना कुछ बाहर निकल के आना है, या एफर्ट पुट करके आप वही पोजीशन लेना चाहते हो, या उन लोगों को कोई ना कोई लेसन देना चाहते हैं, बट आपको चाहिए हर चीज़ प्लानिंग करें, विद द प्लानिंग करेंगे तो बेहतर है, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में और दिक्कतें आएंगी। और जो तुला राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा येलो। इसके बाद बारी आती है, इट्स अ फैंटास्टिक डे आपके लिए, आज बहुत अच्छे रास्ते खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे, कुछ भी नया स्टार्ट करना है, और आपके लिए अचानक कोई एडवाइस आएगी, पैसों से रिलेटेड आपकी दिक्कतें आज के दिन ख़त्म हो जाएंगी, मीन्स आज के दिन आपके साथ कोई ब्लेसिंग्स ऐसी रहेंगी जिससे आपका हर काम बनेगा। और जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनका लकी कलर रहेगा वाइट। इसके बाद टर्न आती है सजिटेरियंस की, लेट्स सी। जो धनु राशि वाले लोग हैं, आज के दिन आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स कर रहे हैं, आप प्लानिंग्स करेंगे फॉरेन से रिलेटेड, अपने शहर से दूर कुछ आप नया करना चाहते हैं, कुछ आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, अपना बिजनेस हो गया या कुछ भी, तो अगर आपको लगता है फॉरेन से कोई अच्छी डील्स आ रही तो बहुत अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको मिलेंगी।
ग्रोथ का टाइम है, तो इस टाइम को आप वेस्ट ना करें किसी भी चीज़ में। तो आपको चाहिए हर चीज़ बहुत अच्छे से डिसीजंस लेके प्लानिंग करें फ्यूचर से रिलेटेड, तो डेफिनेटली फ्यूचर ब्राइट होगा। और जो बच्चे जो है, जो स्टूडेंट से बाहर जाकर स्टडीज़ करना चाहते हैं, इट्स अ गुड डे फॉर देम। बाहर जाएंगे तो उनके लिए उनका फ्यूचर और ब्राइट रहेगा। और जो धनुराशि वाले लोग हैं, उनका लकी कलर रहेगा ऑरेंज। इसके बाद टर्न आती है कैप्रिकॉर्न्स की। जो मकर राशि वाले लोग हैं, आज के दिन आप अपने हिसाब से चीज़ें चलाएंगे, आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपके जो ऑब्स्टैकल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपसे एडवाइस लेंगे, और आपके जितने भी डिसीजंस खुद के लिए या लोगों के लिए हैं वो बहुत अच्छे साबित होंगे। तो आज के दिन आपको कोई पोजीशन मिलेगी, प्रमोशन भी मिलेगी, आज आपके में बहुत ज़्यादा करेज होगा। तो जो चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हैं आज के दिन करें, डेफिनेटली उस चीज़ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। रिलेशनशिप के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा है। और जो मकर राशि वाले लोग हैं, उनका लकी कलर रहेगा येलो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वेरियंस की। जो कुंभ राशि वाले लोग हैं, आज के दिन आपकी मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा है, रिजल्ट्स उतने नहीं मिलेंगे, बट समहाउ आपको वो मेहनत करते रहना चाहिए, अदरवाइज जितने रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। पेशेंस रखें, लोगों के साथ फेयर चलें। और जो कुंभ राशि वाले लोग हैं, उनका लकी कलर रहेगा बेज। और लास्ट पे हम बात करते हैं पाइसेस की। जो मीन राशि वाले लोग हैं, आज का दिन बहुत ही अच्छा है, किसी से एडवाइस मिलेगी, किसी से हेल्प मिलेगी, तो जितनी आपकी रुकी हुई चीज़ें हैं वो पूरी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कुछ आपका काम नहीं बन रहा, तो आपको किसी को कॉल कर ले, किसी से जाके बात करें, किसी से जाके मिले, घर पे ना बैठे रहे। अगर आप घर पे बैठे रहेंगे तो आपके पास जो हेल्प आनी है या आपको कोई सपोर्ट मिलनी है या कुछ भी आपको एडवाइस मिले वो नहीं मिलेगी। तो आपको लोगों के पास पहुँचना चाहिए, मीन्स यू शुड रीच आउट टू पीपल। तो डेफिनेटली आपकी जो दिक्कत है वो ख़त्म होने वाली है। इमोशनली थोड़ा सा आप सैड फील करेंगे, बट आपको उस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, उस चीज़ को एंजॉय कर। आज का मोमेंट आप फ्यूचर्स को सोच सोच के ख़राब ना करें। और जो मीन राशि वाले लोग हैं, उनका लकी कलर रहेगा ग्रे। तो ये था 12 राशियों का राशिफल। कल का राशिफल जानने के लिए जुड़े रहें आपके सितारे के साथ। थैंक यू।